हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय चैनल। मैं हूँ अन्यू मलिक। मैंने ये होली मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो देखो, हम होली पे मेकअप किस तरीके से कर सकते हैं और अपनी स्किन को किस तरीके से बचा सकते हैं, अपने फेस को किस तरीके से कलर से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से देखो, मैंने पूरा जो होली का मेकअप होता है ना, उस ये किया है। ये मेकअप बिल्कुल लाइट मेकअप है, ये डे मेकअप है। तो इस चलो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी टोनर। ये मेरा गुड वाइब्स का टोनर है। ये टोनर बहुत ही अच्छा है। इससे क्या, जो ओपन पोर्स होते हैं ना, वो क्लोज हो जाएंगे और हमारा जो मेकअप है ना, अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो देखो, मैंने पहले टोनर यूज़ किया, उसके बाद जो कोकोनट ऑयल होता है ना, उसको यूज़ करना है। इससे क्या है, जो हमारी स्किन पे कलर लगेगा ना, तो वो आसानी से निकल जाएगा। तो इसके 2-3 बूंदे लेकर अपने फेस पर लगा लूँगी और अपने हाथों पर भी लगा लूँगी। ये करना ज़रूरी है, क्योंकि जो कलर आते हैं ना, वो हमारे फेस पर या हाथ पर चढ़ जाएंगे, तो उसका कलर आसानी से निकल जाएगा। इस तरीके से मैं हल्के हल्के ऐसे मसाज कर लूँगी, जिससे क्या है, मेरा जो फेस है ना, मेकअप के लिए तैयार हो जाए। अब ये लैक्मी की सनस्क्रीन क्रीम है, क्योंकि डे मेकअप है तो ये तो ज़रूरी लगाना है। इससे क्या, हमारी स्किन सेफ रहेगी। इस तरीके से मैं थोड़ी सी क्रीम लेकर अपने पूरे फेस पर, नेक पर अच्छी तरीके से मसाज करके लगा लूँगी। अब ये NYVA का प्राइमर है। प्राइमर मेकअप से पहले लगाना ज़रूरी है। इससे हमारे ओपन पोर्स पूरे क्लोज हो जाएंगे और मेकअप हमारे फेस पर ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा। तो इस तरीके से देखो, मैं हल्के हाथ से जो प्राइमर है ना, मसाज करूँगी, 1-2 मिनट के लगा के इसको छोड़ दूँगी। अब इसके बाद आता है हमारा फाउंडेशन, मेबलिन का जो ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है। ये मेरा ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रह गया इसमें, तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। इसको अपने पूरे फेस पर लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो देखो, ये फाउंडेशन हमें मतलब फेस पर भी लगाना है, नेक पर भी इसको लगाना है। तो इस तरीके से मैं अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। ये मतलब कोई भी जगह छोड़नी नहीं चाहिए। इससे देखना हमारा मेकअप कितना अच्छा हो जाएगा। ये सब जो मैंने कोकोनट ऑयल है, ये सब यूज़ किया है ना, तो इससे क्या, हमारा जो फेस है ना, अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा और हमारे फेस पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से फाउंडेशन को सेट कर लूँगी। अब मैं देखो आई मेकअप पर आती हूँ। पहले मैं क्रीज लाइन बना लेती हूँ, जिससे क्या, मेरा आई मेकअप का जो है ना, सही तरीके से आ जाए। तो अब मैं ये कलर लगाऊंगी। आपकी जो आई शेडो किट है ना, उसमें कलर जो भी है आप लगा लें। मैंने ये 4 कलर ले लिए, क्योंकि अब होली का मेकअप है तो थोड़ा कलरफुल तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से मैं ये लगा लूँगी, 5 कलर लगाए हैं मैंने, और इनको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी इस तरीके से। अभी ब्लेंड कर लूँगी मैं इसको। अब ब्लेंड करने के बाद थोड़ा है ना, ये ब्लेंड मतलब ज़्यादा ब्लेंड हो गया तो दिख नहीं रहा था ज़्यादा, तो मैंने फिर बाद में भी इसको थोड़ा सा लगा लिया था, जिससे क्या, मेरा जो आई मेकअप है ना, कलरफुल दिखे। इस तरीके से देखो, मेरा जो आई शेडो लगा लिया। इसके बाद आता है मेरा लाइनर। मैं लाइनर लगा लूँगी इस तरीके से। मैं अपने पूरे जो आई मेकअप में है ना, ये लाइनर लगा लूँगी। आपके पास जो भी लाइनर हो वो लगा लेना। मैंने ये लोकल मार्केट से ख़रीदा है, से 50 रुपये का। अब मैं अपने आईब्रो को कॉम करूँगी। आईब्रो को फिल करना है मुझे, तो आईब्रो फिल करने के लिए जो पेंसिल है ना, उससे मैं फिल कर लूँगी। अभी आता है मेरा काजल, NYVA का काजल। ये काजल बहुत ही अच्छा है, मतलब सस्ता चाहिए और अच्छा भी चाहिए, तो आप इस काजल को परचेज़ कर सकते हैं। अब देखो, मेरा ये आई मेकअप कम्प्लीट। अब थोड़ा सा है ना, मैं फाउंडेशन से इसको हल्का सा टचअप दे दूँगी इस तरीके से। देखो, अब मैंने ये ब्लशर, हल्का सा ब्लशर लगाना, मतलब डे मेकअप है ना, तो हल्का सा ही लगाना है, जिससे कि ज़्यादा दिखे भी नहीं और आपका ब्लश भी हो जाए। तो देखो, मेरा नेचुरल ब्लश लग रहा है। अब मैं इसको हल्का सा ही हाइलाइटर लगाऊंगी अपने चिक बोन पे, नोज़ पे, चिन पे और फोरहेड पे। इस पर हल्का हल्का सा लगा लूँगी, जिससे थोड़ा सा ना मतलब बाहर निकले तो हमारा फेस थोड़ा चमके। तो इस तरीके से देखो, मैं लगा लूँगी, हल्का हल्का लगाना है। हमें ब्रश का भी यूज़ नहीं करना, उंगली से लगा लेना है, जिससे क्या है, हमारा मेकअप एक अच्छा दिखे और एक ग्लोई दिखे। तो इस तरीके से देखो, मैंने हाइलाइटर लगा लिया। इसके बाद आती है मेरी लिपस्टिक। लिपस्टिक आप कोई सा भी कलर ले लो, रेड ले लो, पिंक ले लो। मेरे पास ये है, ये मेबलिन माई ग्लैम की लिपस्टिक है। तो ये लिपस्टिक, इसका कलर मुझे मतलब होली के मेकअप का जो लुक करना है, उसके हिसाब से इसका कलर मुझे बहुत ही पसंद आया। तो इस तरीके से देखो, मैंने ना लिपस्टिक लगा ली है। देखो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट भी ज़रूर करना। तो इस तरीके से देखो, मेरी लिपस्टिक हो गई है और कितना अच्छा कलर आया और कितना अच्छा मेकअप, मतलब सिंपल मेकअप है। तो ये देखो, मेरा फाइनल लुक है इस तरीके से। ये ज्वेलरी भी मैंने यहीं से, जयपुर से ही ख़रीदी है, सिर्फ 50 रुपीज़ में। तो
और जो ये मैंने कुर्ती पहनी है ना, ये मैंने मीशो से 200 रुपये की परचेज़ की है। अगर आपको है ना मेरा मेकअप पसंद आए, मेरी ज्वेलरी पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।